फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ भारती। तो आज मैं आपको अपना कुछ गार्डन का हिस्सा दिखा रही हूँ। प्लांट्स देख सकते हैं आप, ठंडे मौसम में कितने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं और काफ़ी खूबसूरत जो है लग रहे हैं। तो आज मैं जो प्लांट शेयर कर रही हूँ वो है हवर्थिया की, जो सिम्बीफॉर्मिस वैरायटी होती है वो। तो लगभग एक महीना पहले मैंने उसकी रिपोर्टिंग की थी, तो एक महीने से थोड़ा सा ऊपर हो गया है। रिपोर्टिंग के बाद इसकी जो ग्रोथ है कुछ इस तरह की है। तो थोड़ा स्लो ग्रोइंग प्लांट है ये, तो इस वजह से ज़्यादा इसमें फ़र्क तो नहीं है, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें तो पता चलता है। तो आज मैं इस प्लांट के बारे में एक दो चीज़ें जो है वो शेयर करने वाली हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस की हैं। एक तो इस प्लांट पे मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा जो जाले होते हैं जैसे वेब टाइप के, तो वो बहुत बनते हैं। तो कहीं ना कहीं वो हमारे प्लांट्स के लिए अच्छे ही होते हैं, चाहे किसी भी उसमें बने, प्लांट में या किसी भी स्पेस पे बने, जैसे हमारे गार्डन में कोई भी जैसे स्पेस होती है तो प्लांट्स के आसपास जैसे ग्रिल्स होती हैं, कुछ वॉल्स होती हैं, फ्लोर पे कुछ कॉर्नर्स के इस तरह के हिस्से होते हैं, तो वहाँ पर जो जाले टाइप के हैं वो बनते हैं। तो उससे हमारे प्लांट्स में काफ़ी सारे इस तरह के इंसेक्ट या फ्लाइज होती हैं जो प्लांट को हमारे नुकसान पहुंचा सकती हैं। लेकिन मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, जो जाले बनाते हैं ये जो या तो स्पाइडर्स होती हैं या फिर कुछ और होते होंगे, मुझे उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जो ये वेब्स बनते हैं वो हमारे प्लांट्स के लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी फ्लाइस या कुछ ऐसे इंसेक्ट फंस के मर जाते हैं या फिर वो फंसे रहते हैं, तो जिससे हमारा प्लांट जो है वो सेफ़ रहता है। तो मैंने इसमें से बहुत बारी साफ़ किए हैं, तो कभी कभी तो रह जाते हैं, कभी कभी मैं कर देती हूँ क्लीन, लेकिन ज़्यादा भी नहीं रख सकते, फिर प्लांट देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर हम कुछ दिन रख के उसको बाद में क्लीन कर दें तो हमारे प्लांट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो आप देख सकते हैं इस प्लांट में बिल्कुल भी पानी नहीं है, मिट्टी इसकी पूरी ड्राई हो चुकी है। तो क्योंकि यहाँ पर रेनी सीज़न जो है जल्दी स्टार्ट हो जाता है, मार्च अप्रैल में बारिश जो है पड़नी शुरू हो जाती है, तो उसमें कुछ प्लांट्स ऐसे हैं हार्डी जो नहीं होते या फिर उनको रेनी सीज़न पसंद नहीं आता है, ओवर वाटरिंग से ख़राब हो जाते हैं। तो इसमें जो है मैंने बहुत दिन से पानी नहीं दिया है। ये बालकनी में है और बालकनी में जो बारिश जो है कभी कभी फैल के होती है, पूरी बालकनी को गीला कर देती है, उस टाइम पे इसमें पानी पड़ जाता है। लेकिन मैंने इसको ऐसे रखा है जहाँ पर कम से कम पानी इसको पड़े, तो मैंने खुद से वाटरिंग इसमें नहीं की है। तो इसका मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने अपना ये शैलो पॉट जो है टॉप टेरेस पे रखा था, धूप काफ़ी तेज़ थी तो मैंने इसको ऊपर रख दिया था, क्योंकि ये प्लांट जो है मुझे ऐसे भीगा भीगा सा लगा रहता है हमेशा, जैसे इस पर कुछ फंगस से अटैक किया हो। तो इसी में एक जो हवर्थिया मैंने लगाया था सिम्बीफॉर्मिस का, तो काफ़ी अच्छा सब जितने भी इसमें प्लांट है, हेल्दी जितने भी प्लांट्स हैं उनमें से ये एक प्लांट था। लेकिन एक रात ये ऊपर रह गया, उस रात थोड़ी सी बारिश हुई थी तो उस वजह से देखिए ये इसके रूट्स सिस्टम जो है पूरा गल चुका है और जो नीचे के लीव्स हैं वो भी ख़राब हो चुके हैं। जो ऊपर के हैं ये इसकी नई ग्रोथ है, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं तो इसको मैंने शेयर नहीं किया था। तो एक दिन मैंने इस पे ध्यान दिया कि इसमें जो हवर्थिया है वो गल गया है, तो फिर मुझे समझ में आया कि ये प्लांट जो है बिल्कुल इसके लिए पानी सूटेबल नहीं है, खासकर बारिश का। तो कोई भी आपके पास इस तरह का जो प्लांट हो या कुछ और डेलिकेट प्लांट हो, हमेशा उसको बारिश से बचाएं या फिर मॉइस्चर से बचाएं और इसमें पानी ना दें हो सके तो। क्योंकि मैंने इसमें मेरे हिसाब से मैंने जब से रिपोर्टिंग की है एक आध बार पानी दिया होगा, नहीं तो नहीं दिया। तो रिपोर्टिंग के बाद मैंने वाटरिंग इसमें की थी, लेकिन उसके बाद इसमें कुछ भी मैंने पानी शायद नहीं डाला है। तो उसके बाद है ये मेरा एक कॉटिलेडन की वैरायटी है, इसमें बड बनी हुई थी, फूल खिल चुका है, जो खिलने वाला था एक दूसरे प्लांटर में मैंने शेयर किया था कि इस पर फ्लारिंग भी होती है, जो मुझे नहीं पता था। तो दूसरा फूल भी इस पर खिल चुका है, तो पहला फूल अभी तक बना हुआ है, तो काफ़ी इनके फूल जो हैं काफ़ी दिन तक बने रहते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, अच्छी लगी लाइक ज़रूर करना, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।